Assalamu Alaikum Dear students today we are going to discuss lecture number 28 of the database management system course The course code is CS403 This lecture is the continuation of the previous lecture where we were discussing the data manipulation languages Rather the data manipulation part of the SQL This part of uh, the language concerns with the manipulation of the data the statements in this part of the language they are used to enter the data into the database and to perform different type of operations and to retrieve the data from the database this part is i think more interesting than the ddl because here you see the practical movement of the data you see things moving into the table and uh, getting the table uh, getting the data from the database so i think this uh, you will feel it also more interesting so in the previous lecture we studied the format of the insert statement, and I, as, as I told you in the previous lecture, that the insert statement is used to enter the data into tables. So we haven't seen any practical example. So we will start today's lecture by discussing an example of the insert statement. This is uh, the table uh, that we are going to use uh, to uh, discuss different examples of the insert statement on this slide. So for your convenience, I have given. दी एट्रीब्यूट्स इन द टेबल एज वेल ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम डाटा क्या एंटर करने जा रहे हैं और इंसर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है अब ये पहली स्टेटमेंट अगर आप देखें यहाँ पर तो इसमें हमने ये किया हुआ है कि यहाँ पे आपको अगर आप देखें तो इंसर्ट इंटू ये वही पार्ट है कि जो कि रिक्वायर्ड है यानी वो चूँकि हमने जो फॉर्मेट लिखा था उसमें कैपिटल में लिखा हुआ था इसका मतलब यह है कि ये हमें लाजमी तौर पर देना है ऑल द इंटू इज ऑप्शनल इफ यू लाइक

तीन, चार वैल्यूज क्यू बिकॉज देर आर फोर एट्रीब्यूट इन द टेबल आप देखें कोर्स कोड कोर्स नेम कोर्स कैडेट्स और प्रोग्राम नेम तो ये चार एट्रीब्यूट थे जो कि बेसिकली आपके टेबल में शामिल थे और आपने जो ये रिकॉर्ड एंटर करना है इसमें बिकॉज यू वॉन्टेड टू गिव ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट दैट इज वाई यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्किप्ट द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट पर द सेकेंड थिंग जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि इस सिचुएशन में आपने जो वैल्यूज यहाँ प्लेस करनी है एक बात तो यह ध्यान रखना है कि आपने तमाम एट्रीब्यूट्स की वैल्यू देनी है यानी अगर आपके पास ओरिजिनल टेबल में जो आपका टेबल है उस पर अगर चार एट्रीब्यूट्स थे तो यहाँ आपने चार ही वैल्यूज जो है वो एंटर की हुई है एक बात तो ये हो गई और दूसरी बात यह है कि जब हमने टेबल डिफाइन किया था ऑल दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ द टेबल जब हमने टेबल डिफाइन किया था उस वक्त हमने आ, कोर्स कोड फर्ज करें पहले डिफाइन किया था फिर कोर्स नेम फिर क्रेडिट्स और फिर प्रोग्राम नेम तो अब वैल्यूज एंटर करते हुए भी हमें इस तरतीब का इस ऑर्डर का ख्याल रखना होगा यानी पहले नंबर पे हमारे पास आना चाहिए कोर्स कोड जैसे कि यहां पर कोर्स कोड है उसके बाद कोर्स नेम हमने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये देखिए और इसके अलावा ये कि जो टेक्स्ट टाइप की वैल्यू है चाहे वो करेक्टर है या वारचार है या टेक्स्ट है उसको आपने कोर्स लिखना है देखिए ये आपने वैल्यू के स्टार्ट पे कोर्ट दिया जैसे देखें वैल्यू के स्टार्ट पे कोर्ट और ये वैल्यू के एंड पे कोट इसी तरह यहां पे वैल्यू के स्टार्ट पे कोर्ट वैल्यू के एंड पे कोर्ट अब जो हमारे पास था कोर्स क्रेडिट्स बिकॉज इट वॉज डिक्लेय एज ए नंबर एट्रीब्यूट चुनाचे इसमें जो वैल्यू जानी है वो डायरेक्ट नंबर होगा एंड वेन एवर वी हैव टू एंटर ए नंबर वैल्यू अब नंबर में किसी भी टाइप का नंबर हो चाहे वो इंटीजियर हो स्मॉल इंट हो टाइनी इंट हो या चाहे वो रियल हो फ्लोट हो दैट वी विल एंटर विदाउट द कोर्ट्स तो जो उसमें वैल्यू है वो उस तरह इंटर करेंगे और एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि इफ इट इज़ ए रियल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू है उसके अंदर आप डेसीमल पॉइंट दे सकते हैं लेकिन अगर आपने उसको एज ए इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया हुआ है तो जाहिर है वहां पर आप उसको डेसिमल पॉइंट नहीं देंगे बल्कि जस्ट एक होल नंबर देंगे चुनाचे हमने जिस वक्त वैल्यू एंटर की है कोर्स क्रेडिट्स की तो वहां पे अगर आप देखें तो उस जगह पे हमने यहां पे एक नंबर दे दिया हुआ है फोर और विदाउट कोर्स क्योंकि ये एक नंबर वैल्यू है और उसके बाद चूंकि हमारे पास आखिरी जो एट्रीब्यूट है वो है प्रोग्राम नेम और प्रोग्राम नेम अगेन इज ए कैरेक्टर टाइप डाटा तो यहाँ पे हमने उसको जो है वो कोर्स में लिख दिया हुआ है जैसे कि मैंने जनरल रूल आपको बताया था कि जिसको भी आपने देना है एज करेक्टर या टेक्स्ट टाइप डाटा होगा उसको कोर्स में देंगे तो इसमें आप ये देखें कि हमने अब एक रो इंसर्ट कर दी है इसमें आपने जो चीज़ों को मैंने आपको बताया था उसका ख्याल रखा और ख़ासतौर पर एक और चीज़ भी आपने देखनी है कि जो प्राइमरी की की वैल्यू है वो चूँकि यूनिक होनी चाहिए तो इसमें जो आपके पास कोर्स कोड है इसकी वैल्यू आपने ख्याल रखना है कि वो रिपीट ना हो अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें कि के इस केस में हमने ये किया हुआ है कि हमने यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एंटर करना चाहिए बजाय इसके कि हम एक रिकॉर्ड के चारों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू दें हमने कहा कि इस वक्त हमारे पास सिर्फ दो एट्रीब्यूट की वैल्यू है तो हम यही दो एंटर करना चाहते हैं तो इंसर्ट इन टू स्टेटमेंट प्रोवाइड यू दिस फैसिलिटी दिस ऑप्शन तो उसके हिसाब को करना ही होगा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने वही किया इंसर्ट इन और यहां पे टेबल का नाम कोर्स हो गया उसके बाद यहां पे आपने एट्रीब्यूट्स के नाम दे दिए कोर्स कोड और कोर्स नेम क्योंकि आप इस वक्त इन दो एट्रीब्यूट की वैल्यू एंटर करना चाहते थे और माइंडेड जिन दो को आप स्किप कर रहे हैं मिसाल के तौर तो पे इस केस में आप क्रेडिट्स को और प्रोग्राम नेम को स्किप करना चाहते हैं वाइल्ड डिफाइनिंग द टेबल यू शुड नॉट हैव डिफाइंड एज नॉट नल क्योंकि ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिन एट्रीब्यूट्स को आपने नॉट नल डिक्लेयर कर दिया हुआ है

तो इस तरह से आपने ये एग्जाम्पल में देखा कि हमने सिर्फ कुछ मखसूस जो तो एट्रीब्यूट थे सिर्फ उनकी वैल्यूज एंटर की हैं बजाय इसके कि पूरी रो की वैल्यू uh, एंटर करें और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपने देख लिया कि आप जब तमाम वैल्यूज को एंटर करना चाहते हैं उस केस में यू डू नॉट नीड टू गिव द एट्रीब्यूट लिस्ट जबकि अगर आप चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर uh, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एंटर करना उस केस में यू हैव टू गिव द एट्रीब्यूट नेम बट अगेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑर्डर एज वेल जो आपके पास एट्रीब्यूट लिस्ट में जो आपके पास एट्रीब्यूट के नेम्स हैं उनका जो ऑर्डर है वैल्यूज एंटर करते हुए भी आपने वही ऑर्डर रखना है आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आ, हमने ये किया हुआ कि वी आर एंटरिंग द वैल्यूज फॉर ऑल द एट्रीब्यूट क्योंकि हम तमाम एट्रीब्यूट्स के लिए वैल्यू एंटर कर रहे हैं इसलिए हमने चाह कि हम जो एट्रीब्यूट लिस्ट है उसको स्किप कर दें और एक बात ये भी देखें कि अगर आप जिस वक्त तमाम एट्रीब्यूट्स से भी इंटर कर रहे हैं उस वक्त भी अगर आप लिस्ट दे, दे दें तो कोई इतराज़ नहीं होगा डी को बट दैट वुड बी समथिंग दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड तो आप उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट खाम ख़वा करेंगे इसलिए आप उस केस में जबकि आप तमाम एट्रीब्यूट्स के एंटर करना चाहते हैं उस केस में बेहतर यही है कि आप उसकी वैल्यूज को या उसका अपना एट्रीब्यूट नेम को स्किप कर दें लेकिन जाहिर है कि उस केस में आपको जो ऑर्डर है जो वैल्यूज का ऑर्डर है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उसी ऑर्डर में हो इस केस में देखिए कि जो हम ये तीसरा रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं इसमें ऑबियसली वी हैव स्किप्ड द एट्रीब्यूट नेम बिकॉज वी वॉन्टेड टू गिव ऑल द एट्रीब्यूट्स तो हमने स्किप कर दिए उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेव द कोर्स कोड बिकॉज इट्स अ मैनेजमेंट कोड इसलिए कोर्स इसलिए कोड है एम के साथ तो एम जी वन जीरो थ्री इज अ कोर्स कोड फिर उसके बाद इंट्रो टू मैनेजमेंट दिस इज कोर्स नेम अब यहाँ पे नल नल यू नल वैल्यूज अब देखिए ये भी एक तरीका है कि जिस वक्त आप कुछ एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज ना देना चाहें तो आप इस तरह से भी उसमें वैल्यू स्किप कर सकते हैं कि वहाँ पर आपने उसको ना लिख दिया तो ये दोनों चीज़ें एक लिहाज से सिमिलर हैं कि यहाँ पर आपने एटरीब्यूट्स के नाम दे दिए और दो को स्किप कर दिया यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट्स के नाम नहीं दिए लेकिन जिन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू चाहिए थी अगर वो रिक्वायर्ड थी तो आपने वहाँ पे उनको नल नल कर दिया इस तरीके से वो आप ये तरीका भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स में वैल्यू एंटर करने का तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स थी कि जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से हम आ, जो है ना इंसर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं टू एंटर द वैल्यू टू द डाटा बेस अब देखिए हर जो इंसर्ट स्टेटमेंट है एज अ रिज़ल्ट ऑफ द इंसर्ट स्टेटमेंट वन रो वन रिकॉर्ड और टपल इज़ एंटर्ड इन टू द टेबल तो इस तरह से आपने जितने भी रिकॉर्ड एंटर करने हैं तमाम तो बारी बारी आप जो है ना वो इंसर्ट स्टेट पर इस्तेमाल करेंगे और वैल्यूज़ वहाँ पर प्लेस करेंगे और इसमें आप जो है ना वो डेटा इंटर करेंगे अब इस वक्त आपको जो उस चीज़ स्क्रीन पर नज़र आ रही है ये हमारे पास वो जो हमारे पास एग्जाम्पल डाटा बेस था हमारा उनमें से कुछ टेबल मैंने आपको यहाँ पर शो किए हुए हैं जिनको हम आगे जो अपने एग्जांपल्स फर्दर इस्तेमाल करेंगे उनमें हम इन टेबल्स को और इस डाटा को हम इस्तेमाल करेंगे इसमें थोड़ा सा आपको अगर एक डिफरेंस नज़र आएगा कि जो मैंने कोर्स कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं वो उनसे डिफरेंट हैं कि जो हमने अभी इस्तेमाल किए हैं उसकी रीजन थी जिसके बेस पर मैंने यहाँ पे इनके थोड़े से डिफरेंट कोर्स कोड कर दिए अदरवाइज बाकी डाटा एग्जैक्टली वही है जो कि हम स्टेटमेंट के जरिए इन्वेंटर करेंगे और ये याद रखिए कि ये तमाम डाटा जो डिफरेंट टेबल्स में गया हुआ है दिस ऑल हैज बिन एंटर्ड यूजिंग द इंसर्ट स्टेटमेंट कमांड तो जब आपने डेटा इसमें इंसर्ट करना था तो जहरा है वो आप कहेंगे इंसर्ट इन टू स्टूडेंट और एक और चीज़ ये कि यहां पर मैंने स्टूडेंट टेबल के कम एट्रीब्यूट जगह की कमी की वजह से अदरवाइज जब आप प्रैक्टिकली डाटा एंटर करेंगे तो उसमें आपको तमाम डाटा एंटर करना होगा तो पूरे एट्रीब्यूट की इसी तरह से ये हमारे पास प्रोग्राम टेबल है ये इस इस्लाशो कर रहा है ये प्रोग्राम टेबल है ये हमारे पास है कोर्स का टेबल और ये हमारे पास एनरोलमेंट का है और अगर आप एनरोलमेंट को देखें तो वही यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कोर्स कोड और सेमेस्टर नेम ये तीनों मिलकर इसकी प्राइमरी की हैं और बाकी ये मिड टर्म मार्क्स ये लिखे हुए हैं सेशनल मार्क्स ये लिखे हुए हैं और जो फाइनल एग्जाम के मार्क्स हैं वो ये लिखे हुए हैं और ये इनका टोटल है तो इस तरह से ये और इस टोटल के बेस पे ये आपका ग्रेड बन गया और ये आपके पास ग्रेड पॉइंट है जी पी है इस तरीके से आपने डिफरेंट स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पे जो डिफरेंट उसके कोर्सेज में परफॉर्मेंस थी वो एंटर किया हुआ है और इस डाटा के बेसिस पे हमने जो आगे ऑपरेशन करने हैं उनको हम परफॉर्म करेंगे डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ से वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सेलेक्ट स्टेटमेंट जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि सेलेक्ट स्टेटमेंट एस क्यूएल के अंदर uh, सबसे ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल होती है बिकॉज सी क्रिएट स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट

कि जो डाटा आप उसको एक्सेस करते हैं प्रोसेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा दफ़ा करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं उन तमाम कामों के लिए द स्टेटमेंट दैट इज़ यूज्ड इन एस इज़ द इज़ और इसमें आप देखेंगे आपके इसकी बहुत सी वेरिएशंस हैं और इसीलिए इसकी सिम्प्लिसिटी को बरकरार रखने के लिए मैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको ये कि जो है ना वो कन्फ्यूज़ ना करे अब इसमें जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि हमने लिखा कि मैक्सिमम यूज कमांड इन द डीएमएल इसके अलावा यह है कि यूज नॉट ओनली टू सेलेक्ट सर्टन रोज बट ऑल्सो द कॉलम्स यहाँ पर एक बात जहन रखिएगा कि जिस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे रिलेशन एल्ज्रा को तो वहाँ हमने कहा था कि प्रोजेक्ट इस्तेमाल होता है टू सेलेक्ट सर्टन एट्रीब्यूट्स और सेलेक्ट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है फॉर द सेलेक्शन ऑफ रोज़ यहाँ पर सूरत हाल ये है कि दोनों काम जो हैं यानी एट्रीब्यूट्स की सिलेक्शन और रोज़ की सिलेक्शन दोनों कामों के लिए जो आपकी स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी वो सिलेक्ट स्टेटमेंट ही है सिलेक्ट कमांड ही है डिफरेंस वही है जो मैंने आपसे पहले बता चुका हूँ कि वैन यू वॉन्ट सर्टन एट्रीब्यूट्स यू गिव देयर नेम्स और जब आपको सर्टन रोज चाहिए यू सेलेक्ट दम बाई गिविन ए कंडीशन तो फर्क यही है पर दमांड यूज इज सेम दी सेलेक्ट स्टेटमेंट ऑल्सो यूज फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज डिफरेंट जॉइंस जो हमने पहले पढ़ा था हमने रिलेशनल एल्ज्रा में कार्टिशन प्रोडक्ट और उसके बाद फिर हमने कहा था उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं उन तमाम के लिए भी जो है वो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट ही उसका इस्तेमाल करते हैं सेलेक्टिंग रोज फ्रॉम वन और मोर टेबल्स ना दिस इज फॉर्मेट ऑफ द सेलेक्ट कमांड अगेन मैंने आपसे कहा कि मैं इसको बहुत सिंपल से इसको मैं आता आस्ता फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टेटमेंट अब सेलेक्ट के वर्ड है ये एक रिजर्व वर्ड है एंड दैट यू हैव टू गिव एज सच इसी जगह पर इसी स्पेलिंग के साथ केस डजेंट मैटर उसके बाद आगे कर्ली ब्रेसिस में डिफरेंट ऑप्शन एंड यू हैव टू गिव वन ऑफ देम यहाँ पहले लिखा हुआ है स्टार या स्टेस्क स्टार से मुराद ये है कि अगर आप एक टेबल के तमाम एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट करना चाहते हैं ये तमाम एट्रीब्यूट्स को देखना चाहते हैं उस केस में रादर दैन राइटिंग द नेम्स ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स यू सिंपली प्लेस ए स्टार जब स्टार आ जाएगा इसका मतलब है कि जो डी बी एम एस है इट विल आटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि इस जगह पर जो आगे टेबल का नाम दिया हुआ है उसमें से तमाम एटरीब्यूट्स दिखाने हैं अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्टिकल बार है वर्टिकल बार से मराती है कि ये ऑप्शनल है जाहिर है इसके अलावा आप दे सकते हैं कॉलम नेम कॉलम नेम से हम रात कि अगर आपने एक दो तीन चार कुछ सर्टन एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने हैं उस पर्टिकुलर टेबल से या टेबल से तो आप यहाँ पे उनका नाम देंगे और नाम कैसे देंगे कि कॉलम नेम है और आगे अगर आप देखें कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक ऑप्शन चीज लिखी हुई कॉमा डॉट 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 एन इसका मतलब यह है कि अगर आपने मल्टीपल कॉलम्स के नाम देने हैं तो पहले कॉलम का नाम कॉमा दूसरे कॉलम का नाम कॉमा तीसरे का नाम एन लाइक दैट तो दो ऑप्शंस क्या हैं या तो आप देंगे स्टार मींस ऑल देंगे पर्टिकुलर कॉलम्स का नाम पहला कॉलम कॉमा दूसरा एंड लाइक दैट उसके बाद हमारे पास है फ्रॉम टेबल नेम इसका मतलब यह है फ्रॉम तो चूंकि अपने पास लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में इसका मतलब है कि ये आप एज सच देंगे और टेबल नेम चूंकि लोअर केस में है, यहां पर आपने उस टेबल का नाम देना है कि जिस टेबल से आपने डाटा को फैच करना है तो ये एक सिंपलीफाइड अदर वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट आइए देखिए कुछ सिक्स एग्जाम्पल्स यहां पर जो मैंने क्यू लिखा हुआ है क्यू से मुराद है कि क्यूरी यानी आप को जिस वक्त कोई डाटा एक्सेस करना होगा तो ऑब्वियसली नो वन नो वन विल गिव यू द एसक्यल क्यूरी वो तो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट ये मुझे ये चाहिए यू विल ट्रांसफॉर्म दैट रिक्वायरमेंट इन टू दिल कमांड तो इसीलिए जब अभी हम आगे जो जितना भी डिस्कस करेंगे उसका फॉर्मेट यही होगा कि क्यू से मुराद ए क्यूरी तो क्यूरी हमारे पास क्या है कि गेट द डाटा अबाउट स्टूडेंट्स ये बात आप एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखें और इन जनरल आप जब रियल लाइफ में भी जब आपको इससे वास्ता पड़े तो उसमें एक रूल याद रखिएगा कि व्हेन यू आर आस्ट टू गेट द डाटा अबाउट समथिंग जैसे यहां पे हमने कहा होगा गेट द डाटा अबाउट स्टूडेंट्स तो इससे मुराद हमारी जनरली ये होता है कि यू वॉन्ट ऑल एट्रीब्यूट्स और अगर अदरवाइज किसी को कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स चाहिए तो नॉर्मली द नेम्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर स्पेसिफिकली इन द क्यूरी लेकिन ये होता है कि जो क्यूरी होती है उसके अंदर द एट्रीब्यूट्स नेम्स आर नॉट गिवन स्पेसिफिकली उसमें ऐसा होता है कि वो आपको कह देंगे मिसाल के तौर तो पे वो कहेंगे कि गिव द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इस तरह से कह देंगे अब यहां पे आपको उन्होंने सिंपली यही कहना है कि गिव द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स लेकिन अब जो एट्रीब्यूट नेम है उसके साथ आपने उसको खुद से मैप करना है ज़ाहिर है कि यूजर को तो नहीं पता कि जो आपका टेबल है उसका नाम क्या है या जो उसमें एट्रीब्यूट है उसका नाम क्या है या आया कि उसमें एट्रीब्यूट स्टोर है भी से कि नहीं दिस इज नॉट द कंसर्न ऑफ द यूजर यूजर ने सिंपली से आई वॉन्ट टू सी द स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एड्रेस एंड स्टूडेंट फादर नेम अब ये तो उसने डिस्क्राइब करना है एक जनरल लैंग्वेज में जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए एज ए डिजाइनर एज ए डी बी ए कि आप उसकी उस क्वेरी को ट्रांसफॉर्म करें उसको टेबल नाम के साथ यानी ये लिंक करें और जो उसमें एट्रीब्यूट्स के नाम आपने प्रैक्टिकली इस्तेमाल किए हैं टेबल के अंदर उनके साथ लिंक करें जैसे कि आप यहां पर देखिए कि हमने क्या किया है कि हमने इसके अगेंस्ट जो क्यूरी बनाई है वो ये है कि चूंकि सिंपली था कि गेट द डाटा इसका मतलब ये था कि तमाम डाटा तो इसलिए हमने इसको कह दिया सेलेक्ट स्टार अब इसकी बजाय अगर हमने अपने काम को मुश्किल करना होता खुद से अगर हमारी तबीयत मुश्किल पसंद है कोई बंदा कह सकता है ना कि मुझे आसान चीज़ अच्छी नहीं लगती मैं मुश्किल काम करना चाहता हूँ उसका फिर ये कर सकता है कि वो जितने एट्रीब्यूट के नाम सबके टाइप करना शुरू कर दे फर्ज़ कर जैसे हमारे पास अगर बारह तेरह ट्रीब्यूट हैं टाइप करना शुरू कर दे पहला दूसरा तेरह सारे टाइप कर दे ठीक है तो वो भी ठीक है पर डी बी एम एस जो है वो इतराज़ तो नहीं करेगा क्योंकि वो इतराज कर नहीं सकता लेकिन अदरवाइज़ ये सब वेस्ट एफर्ट ना तो एनी वे आपने कहा सेलेक्ट स्टार मीन्स ऑल एट्रीब्यूट फ्रॉम वही रिजर्वर्ड जो कि आपको देना है और आगे टेबल का नाम फ्रॉम स्टूडेंट तो ये आपकी एक एसक्यू एल की सिलेक्ट स्टेटमेंट है जो कि स्टूडेंट टेबल से तमाम एट्रीब्यूट और उसकी तमाम रोज देखिए मैंने आपसे कहा था कि हम पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सेलेक्ट करते हैं बाय गिविंग द नेम्स ऑफ द एट्रीब्यूट जब हमने यहां पर कोई एट्रीब्यूट नेम इस्तेमाल ही नहीं किया इट मीन्स वी वॉन्ट ऑल एट्रीब्यूट तो स्टार से तो मतलब यह है कि इस टेबल के अंदर जितने भी हैं वो सब के सब के आ जाएंगे एट्रीब्यूटे बात थी कि रोज कौन सी आएंगी रोज भी सारी आएंगी क्यों इसलिए कि वी रिस्ट्रिक्ट द रोज बाय गिविंग ए कंडीशन और कंडीशन के लिए जो क्लॉज इस्तेमाल होता है वो है वेयर क्लॉज और वेयर तो आपको यहां नजर ही नहीं आ रहा वो भी हमने पढ़ा ही नहीं है इसका मतलब है कि रोज के ऊपर भी आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है चुनाचे क्या होगा कि इस कमांड के नतीजे में आपको तमाम की तमाम रोज एक्सेस हो जाएंगी चुनाचे स्टार विल ऑन द बेसिस ऑफ स्टार यू आर एक्सेसिंग ऑल द एट्रीब्यूट्स कॉलम्स और ऑन द बेसिस बिकॉज देर इज नो सेलेक्ट कंडीशन देर इज नो कंडीशन देर इज नो वेयर क्लॉज इसके बेसिस पे यू आर एक्सेसिंग ऑल द रोज तो जो आउटपुट होगा स्टेटमेंट का वो आप देखिए स्क्रीन पे दिस इज आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट अब यहाँ पर अगर आप देखें कि इस जगह पे आप को इस तरह से ऊपर अगर आप देखें तो तमाम एट्रीब्यूट्स के जो नाम हैं वो नज़र आ रहे हैं मिसाल के तो तौर पे वो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम फादर नेम स्टूडेंट एड्रेस फोन प्रोग्राम नेम करंट सेमेस्टर और सी जी पी ए दीज आर एट्रीब्यूट नेम्स ऑफ द स्टूडेंट टेबल और इस तरह से बाकी जितने भी हैं जैसे इसमें देखिए वन टू थ्री फोर इसमें इस वक्त हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल डाटा बेस है इस वक्त इसके अंदर भी एफ गॉट एट रोज या एट रिकॉर्ड चूंकि आपने स्टार दिया हुआ था तो तमाम एट्रीब्यूट्स आ गए और चूंकि आपने कोई कंडीशन नहीं दी हुई थी इसलिए इसमें तमाम रोज आ गई और आपको याद होगा कि हमने जब कहा था कि जब जब हमने रिलेशनल डाटा मॉडल पढ़ते हुए वी स्टडीड द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द टेबल तो उनमें से ये थी कि एक कॉलम में सेम डोमेन की वैल्यूज आती तो आप देख लें कि जैसे अगर फादर नेम है इसमें अगर टेक्स्ट था तो सब में फादर नेम मौजूद है इसी तरह अगर आप फोन नंबर देखें स्टूडेंट फोन हमारे पास एक कॉलम है इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं ये तो अभी हमारे पास आठ रिकॉर्ड है अगर इसमें आठ सौ आठ हजार आठ लाख रिकॉर्ड भी होते तो उसका फॉर्मेट यही होता कि इस हेडिंग जैसे स्टूडेंट फोन है इसके नीचे आपको यही मिलता उसका फोन नंबर इसी तरह जैसे करंट सेमेस्टर है ये एक एट्रीब्यूट है जो करंट सेमेस्टर शो करता है तो उसके अंदर आपको तमाम जो है वो करंट सेमेस्टर ही मिल रहे हैं इसी तरह जैसे सी जी पी ए है अब कुछ का हमारे पास सी जी पी ए नहीं मिसाल के तौर पर जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर में है अमजद फादर नेम हुसैन अब ये चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हैवंट सी जी पी यट सो इट कंटेन्स अ नल हियर इसमें देखें जो सादिया जिया का रिकॉर्ड है रिकॉर्ड नंबर सेवन जो हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास फादर नेम में स्टूडेंट एड्रेस में और फोन में नल लिखा हुआ है इससे हम राज बिकॉज वी हैव डिक्लेयर दीज एट्रीब्यूट एज नल These may have null values, तो हो सकता है अभी हमारे पास ये डेटा हो ना अवेलेबल ना हो तो इसलिए हमने अभी उस पर डाटा एंटर नहीं किया और वो दैट इज हंड्रेड परसेंट लीगल उसने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है और देखे क्योंकि आपका जो स्टूडेंट आई डी था वो तो है प्राइमरी की डेट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड तो वो तो लाजमी तौर तो पर एंटर हुआ हुआ, हुआ और जहां तक स्टूडेंट नेम है वो भी जब हमने टेबल डिफाइन किया था उसमें हमने वहाँ पे कह दिया था इसको आपने नॉट नल डिक्लेयर कर दिया था इसका मतलब है कि जब भी आप एक रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो स्टूडेंट नेम का आपको लाजमी तौर पर वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी तो इस केस में हमने नेम भी एंटर कर दिया हुआ है बाकी को चूंकि हमने नॉट नल नहीं कहा हुआ था इट मीन्स वी कैन मूव नल इन टू तो वहाँ पर इतफाक से ऐसा कि वहाँ पर नल पड़ा हुआ है आई होप कि आपको जो सेलेक्ट स्टेटमेंट का या इस फॉर्म का जो पर्पज़ था और जो इसका लिंक था आउटपुट के साथ वो आपको समझ आ गया होगा ये जो अगली क्वेरी है इसमें अगेन द यूजर हैज़ स्पेसिफाइड हि रिक्वायरमेंट इन द सिंपल लैंग्वेज यूजर सेज के गिव मी द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स विद द प्रोग्राम नेम अब देखिए यहाँ पे उसने कोई एट्रीब्यूट्स के नाम आपको टेक्निकली मीन्स जिस तरह से आपने डिफाइन किए हुए टेबल्स के अंदर वो नहीं बताए एक दूसरी बात यह है कि आपको उसने तो टेबल का नाम नहीं बताया द यूजर सिंपली डिस्क्राइब हिज रिक्वायरमेंट इन सिंपल प्लेन लैंग्वेज और एक बल्कि अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको ये बात भी रियलाइज़ करेंगे कि जिस वक्त आप ये क्यूरीज कलेक्ट क्यूरी क्यूरी कर रहे हैं इस वक्त तो अभी टेबल आपने डिफाइन ही नहीं किए हुए इसलिए बिकॉज दीज uh, क्यूरीज आर कलेक्टेड ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज और उस दौरान तो ज़ाहिर है अभी आपने टेबल क्रिएट ही नहीं किए हुए तो एनी वे यहाँ पर जो क्यूरी है हमारी वो ये कहती है कि गिव द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद द प्रोग्राम नेम्स यहाँ से आप देखेंगे फॉरन के ठीक है जी तो क्योंकि स्टूडेंट के बारे में डेटा चाहिए इट मीन्स वी आर गोइंग टू एक्सेस स्टूडेंट टेबल और कौन से एट्रीब्यूट तो ाम नहीं कहा गया बल्कि पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कहे गए कौन कौन से नेम और प्रोग्राम तो ने इसके लिए जो क्यूरी बनेगी वैसे बनेगी देखें नेम नॉ यू आर यूजिंग द एट्रीब्यूट नेम दैट यू द टेबल आपने वही इस्तेमाल करने हैं कहा स्टूडेंट नेम और उसी तरह जो जैसे एस टी कॉमा पी आर नेम प्रोग्राम नेम फ्राम स्टूडेंट अब यहां देखिए एक एग्जाम्पल वो थी वैन वी यूज सिंपली द स्टार दीन्स ऑल एट्रीब्यूट्स और दूसरी एग्जाम्पल ये है कि वेयर वी हैव यूज पर्टिकुलर एट्रीब्यूट तो इसका अगर आप आउटपुट देखें तो ये इसका आउटपुट है इसमें अगर आप देखें तो सिंपली आपको पिछली जो एग्जाम्पल की के बरक्स यहाँ पे यू आर लुकिंग जस्ट टू एट्रीब्यूट इसमें पहले कॉलम में तो आपके पास है स्टूडेंट नेम आप ऊपर देख रहे हैं कि जो कॉलम का लेबल है वो लिखा हुआ एस टी नेम और दूसरे ने। तो को। कोई कंडीशन नहीं लगाई तो चुनाचे यहां पर भी आपको आठ की आठ रोज जो है आठ के आठ रिकॉर्ड वो नजर आ रहे हैं क्योंकि आपने सिर्फ एट्रीब्यूट्स को लिमिट किया है रोज को लिमिट नहीं किया तो इसलिए आप देख रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर तमाम रिकॉर्ड से जो जितने भी आपके पास रिकॉर्ड थे उन तमाम रिकॉर्ड से सिर्फ यही दो एट्रीब्यूट इनकी वैल्यूज आपके सामने आउटपुट के तौर पर आ गई आइए आगे।, आगे चलते हैं यू हैव गॉट अनादर ऑप्शन इन दिलेक्ट स्टेटमेंट और दैट इज टू असाइन और टू एलोकेट एन एलियस टू एन एट्रीब्यूट एलियस मीनस जैसे हम उर्दू uh, जुबान में उर्फीयत कहते हैं उर्फ जिसे कहते हैं तो यहां मैंने वो उसके सामने यहां पर उर्फ लिखा हुआ है तो जब आप आपने देखा भी कि जब आपने एटीट्यूट्स के नाम डिफाइन किए हैं तो वहाँ पर आपने एब्रीविएट किस्म के नाम इस्तेमाल किए हैं जो आपके नज़दीक तो मीनिंगफुल हैं मिसाल के तौर पर एस टी नेम सी आर कोड या एस कोड इसको आप तो समझते हैं या कोई अगर प्रोफेशनल वो जो है कोई तो वो समझ सकता है कि एस टी कोड मीन्स या एस टी आई डी मीन्स स्टूडेंट आई डी या एस टी नेम मीन स्टूडेंट नेम या एस टी एफ नेम मीज स्टूडेंट फादर नेम लेकिन हो सकता है कि जो आपके जो ले मैन है जो लोग फेमिलर नहीं है कंप्यूटर प्रोफेशनल से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से उनके नज़दीक ये चीज़ इतनी मीनिंगफुल ना हो कि इसका मतलब क्या है तो उसमें एक ऑप्शन यह है कि जब आप अपना आउटपुट लें तो जो डाटा है उसको तो वैसे शो करें लेकिन जो आपके पास एट्रीब्यूट्स के लेबल्स हैं जिनके नाम हैं उनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ आउटपुट आप एक मीनिंगफुल नेम दे दें और उस नेम को हम फिर वही कहते हैं उर्फ़ियत या उसको हम कहते हैं कि आ, एलियस जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे कहा कि जहीर उर्फ झारा अब जाहिर है कि उसका सलाम तो जहीर है लेकिन उसको जहीर से कोई नहीं जानता तो झारा ज़्यादा जो है वो मीनिंगफुल है तो झारे से उसको ज़्यादा लोग जानते हैं तो यही एक है कि उसको एक नाम देने के लिए कि जो विच इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल तो या ज्यादा जो इजीली समझ आ सके या ज़्यादा कॉमन है वो देने के लिए हमारे पास है कि आप एक उसके साथ एलियस अटैच कर दें इन द आउटपुट और माइंडेड इस पे आपका जो एट्रीब्यूट नेम है टेबल के अंदर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो वही का वही रहेगा जो एलियस है ये सिर्फ आउटपुट के अंदर इस्तेमाल होगा एक बात तो ये एलियस इस्तेमाल करने की रीजन ये है कि आपके पास जो है ना वो आप जो आपके एब्रिविएटेड एट्रीब्यूट नेम्स हैं उनको आप एक मीनिंगफुल या एक्सप्लेनेटरी नाम दे सकते हैं एक रीज़न तो ये है दूसरी रीज़न ये है कि समाइम्स यू ऑल्सो गिव सम कैलकुलेशन और सम एक्सप्रेशन इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट दाके तौर पर आप चाहते हैं कि जी दो वैल्यूज हैं दो एट्रीब्यूट हैं वो डिस्प्ले हों फर्स्ट हम कहते हैं कि आ, हम कहते हैं कि उसका किसी बंदे की सैलरी बेसिक सैलरी और उसका जो एडवा इंक्रीमेंट्स हैं और डिडक्शन हैं तीन हमारे पास चीजें हैं एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट्स और डिडक्शंस ये तीनों स्टोर हैं टेबल के अंदर हम चाहते हैं ये तीनों स्टोर हो और साथ में जो उसकी ग्रॉस सैलरी यानी कि उसकी बेसिक सैलरी प्लस इंक्रीमेंट्स माइनस डिडक्शन ये भी डिस्प्ले हो जाए तो हम लिखेंगे कि सिलेक्ट बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट्स डिडक्शंस ये तीन एट्रीब्यूट्स तो हो होंगे अब आगे जो इनका एक फाइनल सम है वो किस तरीके से हम चाहते हैं कि वी टू डिस्प्ले बेसिक सैलरी प्लस इंक्रीमेंट्स माइनस डिडक्शंस तो अब ये उसकी ग्रॉस सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी जब आप इस एक्सप्रेशन को भी शामिल करेंगे अपनी सेलेक्ट के अंदर तो वो जो आपके तीन टेबल्स के एट्रीब्यूट थे उनके तो नाम वही आ जाएंगे कि जो आपने लिए थे टेबल्स से जो टेबल्स उनके नाम है लेकिन इस कॉलम को तो एग्जिस्ट नहीं करता ना टेबल के अंदर ही। तो कॉलम वहाँ मौजूद नहीं है तो इसका कोई नाम भी नहीं होगा तो इस तरह के एक्सप्रेशन जहां पे आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन के केस में जाहिर है कि कोई नाम उस एट्रीब्यूट का नहीं होगा चाहे आप तमाम एट्रीब्यूट टेबल के इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसे कॉलम को दैट इज बिंग जनरेटेड दैट इज बिंग कंप्यूटेड उसको एक नाम देने के लिए भी आप एलियस इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये एक मतलब एक यूटिलिटी एक है एक फीचर गिव ए यूजर फ्रेंडलीनेस कि यूजर आप इजीली इसको समझ सके तो उसकी देखिए एग्जांपल। अब ये उसका फॉर्मेट है कि आपने कहा सिलेक्ट स्टार और दहरा कि स्टार के केस में यू वॉन्ट गिव एलियस आप उसमें नहीं दे सकते आप जो एलियस की जो ऑप्शन है वो उसी केस में है कि जब आप कॉलम नेम्स दे रहे हैं इंडिविजुअल इसका मतलब है कि अगर आप फर्ज करें कि एक टेबल के तमाम एट्रीब्यूट डिस्प्ले करना चाहते हैं और उनमें से सबके साथ या किसी एक दो के साथ लगाना चाहते हैं एलियस तो उस केस में आपको तमाम नाम देने पड़ेंगे बिकॉज एलियस ऑप्शन इज ओनली विद द कॉलम नेम्स लिस्ट तो अब जहां या तो आप स्टार देंगे उस केस में तो तमाम एट्रीब्यूट आ जाएंगे लेकिन एलियस नहीं आएगा फिर या देंगे कॉलम नेम और देखिए यहां पर है स्क्वेयर ब्रैकेट मीन्स दिस इज ऑप्शनल पहली बात तो यह है कि एलियस को इस्तेमाल करना ही ऑप्शनल है कि आप एलियस ना ही दें ये रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन इवन अगर आप एलियस इस्तेमाल करना चाहते भी हैं उसके अंदर भी एज जो है वो भी ऑप्शनल है यानी एलियस ऑप्शनल और इवन एलियस के अंदर एज ऑप्शनल तो क्या होगा आप देंगे कॉलम नेम स्पेस के साथ एज यू यू कैन स्किप इफ इफ यू वॉन्ट इफ यू लाइक और फिर एलियस और चूंकि कॉलम नेम और एलियस दोनों लोअर केस में है इसका मतलब यह होगा कि ये दोनों आपने खुद देने हैं ठीक है ठीके? तो इस तरह ये हुआ कि आपने कहा कॉलम नेम एज एलियस फॉर एग्जाम्पल आपने कहा एस टी नेम एज और आप लिखते हैं कोर्ट्स के अंदर स्टूडेंट नेम अब हालांकि जो आपके पास एट्रीब्यूट का नाम है वो तो है एस टी नेम लेकिन जो आपका आउटपुट आएगा उसमें जो इसको लेबल होगा वो होगा स्टूडेंट नेम दैट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल और आप इसको फिर कोर्स पे लिखेंगे और फिर इस चीज़ को आप रिपीट कर सकते हैं और माइंडेड ये भी जरूरी नहीं है कि फर्ज करें अगर आपने अपने कॉलम नेम ने छह एट्रीब्यूट्स के नाम दे दिए तो अगर आपने किसी एक के साथ एलिस uh, अटैच कर दिया तो सबके साथ करेंगे नहीं अगर आप छह आप एटरीब्यूट्स का आउटपुट ले रहे हैं दो के साथ आपने अटैच कर दिया चार के साथ नहीं किया तो जिनके साथ नहीं किया उनके साथ वही नाम आ जाएगा जो कि प्रैक्टिकली उनका टेबल के अंदर नाम है आइए एस की एग्जाम्पल देखते हैं अब इसमें देखिए कि वी हैव गिवन ए सेलेक्ट स्टेटमेंट इसमें हमने कहा कि सेलेक्ट एस टी नेम एज स्टूडेंट नेम अब यहाँ पर देखिए कि ये क्यूरी है तो वही जो पिछली क्यूरी हमने डिस्कस की थी पिछली स्लाइड में जहाँ हमने कहा था कि हमें स्टूडेंट के नाम और प्रोग्राम का नाम चाहिए ये वही क्यूरी है फर्क सिर्फ इतना इसमें आ गया कि अब यहाँ पे हम जो एट्रीब्यूट नेम है उनके साथ एलियस अटैच कर रहे हैं जैसे यहाँ पे हमने कहा स्टूडेंट नेम अब ये ऑप्शन हमने इस्तेमाल की है एज यहाँ पे कैपिटल में लिखा क्योंकि फॉर्मेट जनरल फॉर्मेट है यहां पे हम चूंकि प्रैक्टिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कैपिटल में लोअर केस में कोई फर्क नहीं पड़ता एज लिख दिया एज सच फिर कोर्ट्स में स्टूडेंट नेम अब देखिए ये जो एलियस है ये है इस एट्रीब्यूट का स्टूडेंट नेम का एस नेम का उसके बाद यहाँ पे कॉमा दिया इट मीन्स के ना दिस इज दिस नेक्स्ट एट्रीब्यूट तो कॉमा दिया यहाँ पे आ गया पी आर नेम और पी आर नेम इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इन द डेटाबेस और इस दफा यहां पे हैव स्किप्ड द एज एज स्किप करके हमने स्टेट वे कोर्स में लिख दिया प्रोग्राम जो कि बेसिकली एक एलियस है इस एट्रीब्यूट के लिए ये कह दिया और फ्रॉम स्टूडेंट वही जो हमारा टेबल था वहां से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और जब आप इसका आउटपुट देखेंगे यहां पर देखिए कि एज फार एज रोज एंड द कॉलम द डाटा इज कंसर्न दे आर एग्जैक्टली द सेम द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस टाइम द कॉलम्स हैव डिफरेंट हेडिंग्स दे हैव दिस हैडिंग ड्यू टू दी एलियस इ्स ए गुड ऑप्शन जिस जगह आप को इसकी जरूरत हो जहां पर आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने आपसे कहा था कि एलियस का एक आ, यूज यह भी है कि बज दफ़ा जब हम सेलेक्ट में एक्सप्रेशन देते हैं तो वहां पर आप चूंकि एक्सप्रेशन है आपको कैलकुलेशन हो रही है तो दस नो सिंगल एट्रिब्यूट इन्वाल्व सो फ्राम दूर पॉइंट ऑफ व्यू दिस पर्टिकुलर कॉलम हैज नो हेडिंग नो लेबल तो उस केस में इस एक्सप्रेशंस uh, को uh, देने के लिए एक हेडिंग आप एलिएसा इस्तेमाल करते हैं लेकिन यहाँ से ये बात भी जाहिर है कि आप एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन से मुलादा के जहाँ पर कैलकुलेशन कंप्यूटेशन को इन्वाल्व है कोई ऑपरेशन इन्वाल्व है जैसे अगर नुमैरिक डाटा है तो उसमें प्लस माइनस वगैरह इवाल्व्व होंगे इसी तरह अगर आपके पास टेक्स्ट टाइप का डाटा है तो उसके अपने ऑपरेशन होते हैं तो जिस यानी जिस तरह जब डाटा में ऑपरेशन इन्वॉल्व हों तो वो चीज़ भी यू कैन गेट इट डिस्प्लेड विद द हेल्प ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट होगा ये कि आपकी जो हर रो के लिए वहाँ पे एक्सप्रेशन एवेलुएट होगा हल होगा ऑपरेशन होगा और जो उसका रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले हो जाएगा और अगर आप उसको कोई आ, एलियस के जरिए हेडिंग है, देंगे तो वो हेडिंग अंडर आ जाएगा और अगर हेडिंग नहीं देंगे तो बग़ैर हेडिंग के ही आ जाएगा लेकिन वो जो आपने एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी वैल्यू वहाँ पर प्लेस हो जाएगी आइए इस एग्जाम्पल देखते हैं हर इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ द एक्सप्रेशन इन द क्यूरी और यहाँ पर एक चीज़ देखें कि अगेन यूज़र विल नॉट टेल यू के यू आर गोइंग टू यूज़ एन एक्सप्रेशन इन इट और वट एट्रीब्यूट आर बींग यूज इन दिस क्यूरी यूजर विल सिंपली गिव इट्स रिक्वायरमेंट तो इसमें यहाँ पर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले टोटल सेशनल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ टेंट इन ईच सब्जेक्ट अब यहाँ पर पहली बात कि टोटल सेशनल मार्क्स हमारी क्या मुराद है उससे मुराद ये कि सेशनल मार्क्स जो हमने स्टोर किए हुए हैं अपने टेबल के अंदर वो सेशनल मार्क्स जो हैं वो तो वो नंबर हैं जो कि टीचर ने आपको दिए अगेंस्ट एक्टिविटीज दैट ही आस्ट यू टू परफॉर्म डरिंग द सेमस्टर लाइक को असाइनमेंट्स हैं इसके अलावा आपके मिड टर्म के मार्क्स भी थे जरा आपने मिड टर्म एग्जाम दिया पेपर चेक हुआ आपके नंबर लगे तो ये नंबर तो प्रैक्टिकली स्टोर्ड है इन द टेबल एज सेशनल मार्क्स एंड द मिड टर्म मार्क्स लेकिन जब हम कहते हैं टोटल सेशनल मार्क्स इससे बता दिया कि वो मार्क्स दैट वी गॉड ड्यूरिंग द सेमेस्टर जो दोनों एक्टिविटीज थी इससे हमने जो नंबर ऑप्टेन किए थे आइए देखिए सिक्यूरी हम कैसे लिखेंगे हियज द क्यूरी यहाँ पे आपने लिखा हुआ है सिलेक्ट एस टी आई डी और कोर्स कोड सी द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर इट डिज़ नॉट स्पेसिफिकली मैंशन दी कोर्स कोड एंड द स्टूडेंट आई डी लेकिन यहाँ पे एज अ डिजाइनर एज अनालिस्ट आपने खुद ही अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल की है एन जी ओ प्लेस दैन देयर ताकि एक लिंक हो जाए कि इस स्टूडेंट का इस कोर्स कोड के अंदर ये परफॉर्मेंस है जहाँ पे शायद आपको ये चीज़ थोड़ी सी महसूस हो कि वाई वी आर नॉट पुटिंग द स्टूडेंट नेम एंड द कोर्स नेम हियर उसकी रीजन ये है कि टू एक्सेस द मिड टर्म मार्क्स एंड द सेशनल मार्क्स वी हैव टू एक्सेस द एनरोल टेबल जबकि जो स्टूडेंट का नाम है और कोर्स का नाम है दे आर दे आर इन अदर डिफरेंट टेबल्स तो अगर हम ये करना चाहेंगे देन वी विल बी एक्सेसिंग मल्टीपल टेबल्स ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे अभी हम फेमिलियर नहीं हुए जिससे अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए यहाँ पर जो हमारा जो कंसर्न है दैट इज ओनली एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम ए सिंगल टेबल इसलिए हमने यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट आई डी कोर्स कोड और उसके बाद देर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्रेशन वो क्या है मिड टर्म यानी एम टर्म प्लस सेशनल मार्क्स एस मार्क्स अब ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है कोई ऑपरेटर इन्वॉल्व है और ये आपका एक न्यूमेरिक ऑपरेटर है इन दोनों को सम करेगा और चूंकि फिर ये वही जो मैंने आपसे कहा था कि अब ये चूंकि एक एक्सप्रेशन है इट इज नॉट स्टोर्ड इन द डेट बेस एज सच और इट डज नॉट हैव एनी नेम इन द टेबल तो इसलिए अब इस कॉलम का कोई नाम नहीं होगा क्योंकि ये जो आपकी क्यूरी है ये आपके हर रो के ऊपर चलेगी यानी पहली रो पर जाएगा वहां से रहेगा स्टूडेंट आई कोर्स कोड ये तो ऐसे सच डिस्प्ले हो जाएंगे और इनके चूंकि आपने एलियस नहीं दिए हुए तो हेडिंग भी इनकी यही होगी उसके बाद उस रो में से यानी पहली रो में से वो मिड टर्म मार्क्स लेगा और सेशनल मार्क्स लेगा उन दोनों को जमा करेगा और डिस्प्ले कर देगा यही एक्टिविटी जो है वो तमाम रोज के साथ परफॉर्म होगी और आपको जितनी भी रोज हैं सब में आपको स्टूडेंट आई कोर्स कोड और उसके मिड टर्म और सेशनल मार्क्स का जो सम है वो मिल जाएगा लेकिन चूँकि ये एक एक्सप्रेशन है इसका लेबल कोई नहीं होगा उसको एक लेबल देने के लिए वी हैव यूज्ड दी एलियस और एलियस हमने देखी देखें बिल्कुल मीनिंगफुल दिया है जिससे जो केस को एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट इज दिस दिस इज टोटल आउट ऑफ फिफ्टी और आगे हमने दिया फ्रॉम एनरोल क्योंकि हमारा जो सारा जो डाटा था ये एनरोल में था तो हमने एनरोल टेबल को इस्तेमाल किया इसका आउटपुट देखिए हि इज द आउटपुट अब यहां पर अगर आप देखें तो चूंकि हमारे पास जो हमने एनरोल किए हुए हैं एनरोलमेंट पे हमारे पास सिर्फ चार रिकॉर्ड्स हैं और वही चार रिकॉर्ड हमारे पास नजर आ रहे हैं इसमें देखें तो S1015 वन जीरो वन फाइव इज द स्टूडेंट आई और चूंकि हमने उसको एलियस नहीं दिया हुआ इसलिए यहां पे हमें उसका जो एट्रीब्यूट नेम है वही नजर आ रहा है उसके बाद कोर्स कोड अगेन नो एलियस यूज वही नजर आ रहा है तो ये तो आपने कहा कि स्टूडेंट वन जीरो सी एस फाइव वन सिक्स इसी तरह वन जीरो फाइव ने एक और कोर्स एनरोल किया हुआ इसी तरह S1018 ने और वन जीरो इन लोगों ने ये कोर्स एनरोल किए हुए और ये देखिए एलियस जो हमने दिया था टोटल आउट ऑफ फिफ्टी वही लिखा हुआ एस सच और ये उसके जो मिड टर्म मार्क्स हैं और जो उसके सेशनल मार्क्स हैं उनके सम जो वो ये लिखा हर एक अलग अलग तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने एक एस क्यू की क्यूरी के अंदर एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया और एलियस के जरिए वी हैव गिवन इट ए नेम टेम्परि इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है ये इस वक्त एक्सप्रेशन की इसमें है कि लिस्ट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द प्रोग्राम दे आर एनरोल्ड इन इन द फॉर्मेट स्टूडेंट स्टडीज इन प्रोग्राम यानी यू होना चाहिए कि लड़से अहमद स्टडीज इन एम सी एस या मुशतबा स्टडीज इन बी आई टी यानी अब आपको जो आउटपुट चाहिए वो इस तरह का चाहिए इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए तो अगेन इसमें अगर आप देखें एक लिहाज से इसमें एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है लेकिन दिस टाइम दिस इज एबिट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जो हमने पिछले एग्जाम्पल देखी है एक्सप्रेशन की दैट वॉज ए न्यूमेरिक एक्सप्रेशन जिसमें न्यूमेरिक कैलकुलेशन न्यूमेरिक ऑपरेटर प्लस इन्वॉल्व था लेकिन इसमें एक डिफरेंट टाइप की जो है ना वो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है जो कि बेसिकली एक टेक्स्ट या स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है देखिए हमने यूं लिखना है कि स्टूडेंट स्टडीज इन प्रोग्राम तो यहां देखिए हमने दोबारा क्या किया नेम क्योंकि यहां पे स्टूडेंट का नाम आता है एस टी नेम हो गया प्लस अब ये जो प्लस है दिस प्लस इज बिटवीन स्ट्रिंग्स बिटवीन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स और जो इनके दरमियान प्लस होता है इस ये सिंपलिन को आपस में मिला देता है कंकैटिनेट कर देता है यानी पहली स्ट्रिंग और साथ उसके दूसरी स्ट्रिंग फिर तीसरी स्ट्रिंग तो इसकी जो एडिशन है वो डिफरेंट है नंबर्स के एडिशन के साथ जै, जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे और इसके अलावा एक और चीज़ यहन में रखिएगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाने के लिए इन द सीक्वल सर्वर वी यूज़ प्लस ऑपरेटर यानी जब प्लस हम इस्तेमाल करेंगे प्लस का सिंबल इस्तेमाल किस लिए होगा या ये प्लस का सिंबल जो है प्रिसाइजली क्या एक्शन करेगा ये डिपेंड करता है कि इसके जो पैरामीटर्स आए या जिन चीज़ों पे ये ऑपरेट हो रहा है वो किस टाइप के हैं अगर तो वो हुए नुमैरिक नंबर हुए तो उनको सिंपली ऐड कर देगा जैसे कि हमारे पास नंबर्स की ऐड करने का कॉन्सेप्ट है लेकिन अगर उसके जो जिस पे प्लस ऑपरेशन करना है अगर वो अब देखिए मिसाल के तौर पर यहां पर है एस टी नेम प्लस अब आगे कोर्ट्स के अंदर एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है जो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है इसका मतलब यह कि ये हर दफा ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा यानी जो स्टूडेंट नेम है दिस इज़ द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इसके बाद अगर हम देखें जो स्टडीज इन है वो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है एक्स्ट्री कांस्टेंट है ये वैसे क्या वैसे विदाउट एनी चेंज चाहे हमारे पास हजार रिकॉर्ड्स भी हों वो हज़ार दफ़ा जो है वो, वो ऐसे ही आएगा और फिर क्या क्या है प्लस इनके फर्दर कोर्सेज ऐड होगी वो क्या होगी पी आर नेम प्रोग्राम नेम और माइंड ऑल दो इसमें दो एट्रीब्यूट शामिल हो गए कौन कौन से स्टूडेंट नेम प्रोग्राम नेम दो एट्रीब्यूट शामिल हो गए और इसके अलावा इसमें एक और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट भी इस्तेमाल हो गया बट ऑल दिस इज ए सिंगल थिंग सिंगल कॉलम बनेगा इसका क्योंकि कॉलम्स जब आप मल्टीपल करते हैं दे आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय कॉमा तो जब तक दो कॉलम uh, नेम के दरम्यान कॉमा नहीं आ जाएगा उस वक्त तक दे आर नॉट कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट एट्रीब्यूट हियर दे आर यूज इन ए सिंगल एक्सप्रेशन तो जो आपका आउटपुट आएगा इट विल कंटेन ए सिंगल कॉलम लेकिन इसमें ये दोनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जो है वो इस्तेमाल होगी कैसे देखें यहां पे अगर आप देखें कि इस जगह लिखा हुआ आपके पास ये है स्टूडेंट का नाम एस टी नेम ये स्टडीज इन ये वो आपकी स्ट्रिंग है दैट यू प्लेस इन द एक्सप्रेशन और ये इसमें सिंपली एड हो गई और एम सी एस ये है प्रोग्राम ने ये जो आपके पास वैल्यू है जो यहां पे लिखी आ रही सारी दिस इज बींग टेकन फ्रॉम द डेटाबेस

शो uh, भी नहीं किया हुआ लेकिन इस दिस इज नाउ बिंग कंसिडर्ड एज ए सिंगल कॉलम और चूंकि ये कॉलम इज नॉट देयर एज सच ये कंप्यूट हो रहा है दिस इज एन एक्सप्रेशन तो इसलिए यहां पर जो है ना इसका कोई नाम भी नहीं होगा हां ये हमारे पास ऑप्शन थी कि अगर हम चाहते तो हम इसको कोई नाम भी दे सकते थे जो कि हमने नहीं दिया अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेलेक्ट के अंदर वो है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट से मुराद यह है कि जब आप कभी आउटपुट लेते हैं तो बज दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर कॉलम ले रहे हैं मिसाल के तौर पे अगर आप जस्ट नेम ले रहे हैं या फर्ज कर जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम जस्ट प्रोग्राम नेम डिस्प्ले करवाते हैं स्टूडेंट टेबल से तो चूंकि मल्टीपल लोगों ने एम प्रोग्राम लिया हुआ है तो एम नेम आपको बार बार मिलेगा तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास रोज डुप्लीकेट ना हो बल्कि वो एक दफा आए तो उसके लिए आपके पास डिस्टिंक्ट ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए एंड हियर इज द क्यूरी गेट द प्रोग्राम नेम्स इन नेच स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड अब देखिए इसमें कुछ तो हमारे पास हैं प्रोग्राम ऑफ जो प्रोग्राम हमारे पास हैं एक है कोर्सेज ऑफर्ड लेकिन ये है कि जिसमें स्टूडेंट एनरोल हुए हुए हों तो इसलिए हमें ये डाटा जो है ये स्टूडेंट टेबल से ही मिलेगा क्योंकि वहां पे हमारे पास दिया हुआ है कि कौन सा स्टूडेंट किस प्रोग्राम में एनरोल है तो चलाचे इसकी जो क्यूरी हमने बनाई अगर हम ये बनाएं कि सेलेक्ट प्रोग्राम नेम फ्रॉम स्टूडेंट इसका अगर आप आउटपुट देखें तो वो ये है इसलिए चूंकि हमारे पास स्टूडेंट टेबल में आठ ही रोज़ हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास आठ जो है वो टेबल आ गए और ऊपर हमने चूंकि इसको वो दिया हुआ था प्रोग्राम्स हमने उसको एलियस के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ था वैसे कमांड में तो नहीं लिखा हुआ था लेकिन यहाँ भारत प्रोग्राम हमने एलियस के तौर पे दे दिया तो आठ हमें यहाँ पे रोज़ मिल रही हैं लेकिन कुछ इस पर आप देखें कि चूँकि मल्टीपल लोग मिसाल के तौर पर एम में चार लोग एनरोल थे तो चार दफ़ा एमसीएस आ गया और दो लोग चूँकि बी आई में एनरोल थे दो दफ़ा बी आ गया तो इससे हमें वेल well, पर्पज़ तो सर्व हो रहा है लेकिन हमें इससे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कम अज़ कम कि कितने मुख्तु प्रोग्राम में लोग एनरोल्ड हैं इसे हमें निकालना पड़ेगा कि भाई कितने मुख्तलफ़ हैं तो उसके लिए अगर हम ये कर लें कि बजाय इसके कि हम ये करें कि सेलेक्ट प्रोग्राम नेम फ्रॉम स्टूडेंट हम ये जो आखिर में लिखा हुआ है कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोग्राम नेम From स्टूडेंट अब देखिए इसका आउटपुट अगर आप देखें तो ये इसका आउटपुट है जबकि इससे पहले हमारे पास ये था अब यहाँ देखिए कि जो हमारे पास लेफ्ट पे है वी हैव गॉट फोर रोज इन इट तो इसमें चूंकि फोर रोज हैं तो वो जो जितने भी आपके प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं लोग वो हर जो आपकी रो है इस दफा इस रो में सिर्फ एक एट्रीब्यूट है लेकिन हर रो जो है वो सिर्फ एक दफ़ा आ रही है इसके बरक्स जो पुराना आउटपुट है जो कि यहाँ भी शो किया हुआ है उस पर देखें वी हैव गॉट एट रोज कि हमारे पास स्टूडेंट में एट रिकॉर्ड्स uh, uh, थे और हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड से हमारे पास जो उसका प्रोग्राम एनरोल था उसकी वैल्यू आ गई थी तो ये फ़र्क है यूजिंग द सेलेक्ट विद द डिस्टिंक्ट ऑप्शन और विदाउट द डिस्टिंगट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ से हम आगे एक कोर्स स्टेप पर जा रहे हैं एक और इसकी फॉर्म है एक और क्लॉज है uh, इसका ऐसे सिलेक्ट स्टेटमेंट का जिसके जिसका ऑब्जेक्टिव यह है कि वी प्लेस चेक्स ऑन रोज क्योंकि ये मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं कि जब हमने एट्रिब्यूट्स को सेलेक्ट करना होता है या कुछ को, मखसूस को सिलेक्ट करना होता है तो वी डी डू दैट बाई सिंपली गिविंग द नेम्स ऑफ द एट्रीब्यूट बट दैट वी कैन नॉट डू विद द रोज क्योंकि रोज बहुत ज्यादा हैं तो उसको और रोज के साथ से नाम हम नहीं दे सकते तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वी यूज द चेक्स और चेक्स के लिए जो हम क्लॉज uh, इस्तेमाल करते हैं वो है वेयर क्लॉज तो वी विल एड नाउ वेयर क्लॉज इन दी सेलेक्ट स्टेटमेंट आइए देखिए कैसे करेंगे लिमिट रोज टू सेलेक्ट सर्टन रोज लाइक प्रोग्राम ऑफ सर्टन लेंथ मतलब आपने कहा कि जैसे हम यहाँ बात करें प्रोग्राम टेबल पे कि जो प्रोग्राम जिनकी खास लेंथ है सेमेस्टर वाइज या क्रेडिट वाइज क्रेडिट हो गए स्टूडेंट्स विद पर्टिकुलर नेम्स के इस नाम को स्टूडेंट दिखा दो या इस वो स्टूडेंट जो इस प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं या वो स्टूडेंट जिनकी ये एज है या वो स्टूडेंट जो खास जगह पे आते हैं इस तरह की आप डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पे आप उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं और उसमें जो आप इस्तेमाल करते हैं वो है वेयर क्लॉज और लिखा हुआ कि वी यूज नेम्स टू लिमिट कॉलम्स बट रोज कैन नॉट बी नेम टू द डायनाटी तरह की उसमें बढ़ती कम होती रहती हैं वी लिमिट द रोज यूजिंग कंडीशन दियर क्लॉज कंडीशन आर डिफाइंड ऑन द वैल्यूज ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स एंड प्लेसड इन द वेयर क्लॉज यानी इस पर होगा ये कि आप जब रोज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो दे आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन द बेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ सर्टन एक्टिव्यूट यानी देखे ना सो फार यू डिड नाट गिव दियर क्लॉज और यू डिड नाट प्लेस एनी कंडीशन ऑन रोज इसका रिजल्ट क्या हो रहा था कि ऑल द रोज इन द इन दर बींग डिस्प्लेड यहाँ पर यह कि जब आप वेयर लगाएंगे उसके बाद आप एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स की वैल्यू के ऊपर कंडीशन लगा देंगे और वो कंडीशन या वो वैल्यू हर रो में कंपेयर होगी हर रो में चेक होगी वो रोज़ जो कि उस कंडीशन को फुलफिल करती हैं दो रोज विल बी सिलेक्टेड और जो से फुलफिल नहीं करती वो ज़ाहिर सेलेक्ट नहीं होंगी अब इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि एक सेलेक्ट स्टेटमेंट के नतीजे में आपकी कितनी रोज सेलेक्ट होती हैं वो हो सकता है कि एक रोज सेलेक्ट हो हो सकता है दो हो और हो सकता है कि किसी केस में सारी की सारी रोज जो सेलेक्ट हो जाए इट ड मैटर बात सिर्फ ये रूल सिर्फ सिंपल है कि यू गिव वेयर एंड यू गिव द कंडीशन अब वही बात है बेसिक रूल वही है कि दिस कंडीशन विल बी चेक्ड अगेंस्ट ईच रो इन द टेबल और वो रोज जो कि इस कंडीशन पे पूरी उतरती हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी और जो पूरी नहीं उतरती तो जाहिर है कि वो डिस्प्ले नहीं होंगी डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे आज के लेक्चर का टाइम पूरा हो चुका हुआ है इसमें हमने आज जो है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट की डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उनको स्टडी किया है और इसमें खास तौर पे हमने देखा कि किस तरह से हम तमाम रोज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं तमाम एट्रीब्यूट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा वी ऑल्सो स्टडीड द ऑप्शन ऑफ एलियस के हाउ डू वी अटैच द एलियस एंड वट इज़ द यूज़ ऑफ एलियस और इसके अलावा किस तरीके से आपने देखा कि आपको जो आउटपुट मिलेगा उसकी फॉर्म क्या होगी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम वेयर क्लॉज को स्टडी करना शुरू करेंगे और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें इसमें रहती हैं मिसाल के तौर पे हमने जो मल्टीपल टेबल से डाटा कैसे एक्सेस करते हैं और इस पर फंक्शन वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं ये तमाम चीज़ें विल स्टडी इन द फॉलोइंग लेक्चर्स अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अल्लाह हाफिज़